शम बचपन से माँ का साया भी नहीं और आपके मुंडन करवाने के बाद सर पे छाया भी नहीं। हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे फिल्म हाउसफुल 4 के इकोनॉमिक्स के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि फिल्म हाउसफुल 4 पर अनेक आरोप लगे हैं और कुछ लोगों का कहना है कि यह फिल्म एक नाकामयाब फिल्म है और इसी वजह से दर्शकों के बीच में कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि यह फिल्म एक हिट फिल्म है या नहीं। तो दोस्तों आपके यही सब कन्फ्यूज़न हम इस एपिसोड में दूर करेंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं फिल्म हाउसफुल 4 के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि यह फिल्म 25 अक्टूबर 2019 को प्री दिवाली वीकेंड में रिलीज हुई थी। दोस्तों इस फिल्म का बजट था करीब 75 करोड़ रुपए और इस फिल्म को नडियाडवाला एंड ग्रैंड सन्स ने बनाया था। दोस्तों इस फिल्म को फिर साजिद नडियाडवाला ने फोक्स स्टार स्टूडियो को बेचा था करीब 150 करोड़ रुपए में और फिर फोक्स स्टार स्टूडियो ने इस फिल्म के ऊपर प्रमोशन के लिए भी करीब 20 से 25 करोड़ रुपए खर्चा किया था। तो इस तरीके से इस फिल्म का कॉस्ट हो जाता है करीब 175 करोड़ रुपए। तो इस फिल्म को ब्रेक इवन पॉइंट जो इस फिल्म का था वो करीब 180 करोड़ रुपए था, यानी कि अपनी लागत वसूलने के लिए इस फिल्म को एटलीस्ट 180 करोड़ रुपए तो कमाने ही थे। तो दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं फिल्म के कलेक्शन के बारे में। दोस्तों फिल्म की ओपनिंग औसत ही रही थी और फिल्म ने पहले दिन पर 19.08 करोड़ का कलेक्शन किया था। दोस्तों फिल्म ने अपने पहले वीकेंड पर 53 करोड़ का कलेक्शन किया था और कुछ क्रिटिक्स ने इस फिल्म को फ्लॉप भी घोषित कर दिया था, लेकिन फिल्म ने अपने चौथे दिन यानी कि गोवर्धन पूजा वाले दिन जबरदस्त उछाल दिखाते हुए 34 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन किया और दोस्तों देखते देखते इस फिल्म ने 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। दोस्तों अब बात करते हैं फिल्म के कलेक्शन के घपलेबाजी को लेकर के। दोस्तों कुछ लोगों का कहना है कि फिल्म के कलेक्शन प्रोड्यूसर्स बढ़ा चढ़ा करके बता रहे हैं। तो दोस्तों आइए इसी वजह से आज हम आपको क्रिटिक्स और प्रोड्यूसर दोनों के कलेक्शंस बताएंगे। दोस्तों अगर क्रिटिक्स की माने तो यह फिल्म अब तक 204 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन कर रही है और अभी भी सिनेमा घरों में चल रही है और जैसे जैसे यह फिल्म अपना लाइफ टाइम बिजनेस फिनिश करेगी तो यह फिल्म 205 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन कर लेगी। वहीं अगर प्रोड्यूसर की माने तो यह फिल्म अभी तक 211 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन कर चुकी है और अपने लाइफ टाइम बिजनेस में यह फिल्म 212 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन कर लेगी। तो दोस्तों यहां से एक तस्वीर तो साफ है कि दोनों ही कलेक्शन रिपोर्ट्स में यह फिल्म 200 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर चुकी है। अब अगर इसके इकोनॉमिक्स की बात करें तो दोस्तों 180 करोड़ को क्रॉस करते यह फिल्म फ्लॉप तो नहीं थी। 180 करोड़ से 200 करोड़ के बीच में अगर यह फिल्म रुक जाती तो यह फिल्म एक अबो एवरेज या सेमी हिट कहलाती, लेकिन 200 करोड़ को क्रॉस करते ही यानी कि 200 से 220 करोड़ के बीच में इस फिल्म को एक हिट टैग मिलता जो कि यह फिल्म अभी रखती है, यानी कि यह फिल्म एक क्लीन हिट फिल्म है। अगर यह फिल्म 220 करोड़ से ऊपर जाती तो फिर यह फिल्म एक सुपरहिट फिल्म कहलाती, लेकिन अभी यह फिल्म 205 करोड़ के आसपास ही रुक जाएगी क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग और अकॉर्डिंग टू प्रोड्यूसर्स 211 या 212 करोड़ पर रुक जाएगी। तो यह फिल्म एक क्लीन हिट है। तो दोस्तों ये जो कलेक्शन हमने आपको बताया ये सिर्फ इंडिया के नेट कलेक्शन थे। अब अगर इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ क्रिटिक्स के फिगर बताऊंगा। तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के हिसाब से फिल्म ने इंडिया में 230 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है और ओवरसीज़ में 47 करोड़ का कलेक्शन किया है। तो इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन होता है अभी तक करीब 277 करोड़ रुपये। ठीक है दोस्तों अब हम आपको बता दें कि यह फिल्म नडियाडवाला एंड ग्रैंड सन्स की इस साल की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म है। इससे पहले वो छिछोरे और सुपर 30 जैसी फिल्में इस साल दे चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।